हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में। तो घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, चिनाई लग रही है, ये गड्ढा बनवाया है और इसी में काम चल रहा है। उसके बाद किचन में भी थोड़ा सा काम कराना है, इतनी गर्मी में कितना मुश्किल है ये सब कर पाना। ये इनकी भी हिम्मत है कि धूप में लगे रहते हैं मिस्त्री। गर्मी में कूलर के ना चलने से सब कूलर के अंदर घुसने को तैयार हैं। बच्चे सारे देख रहे हैं कि हम घुस जाएं इसमें ही। तेरी तो बनेगी, तू बावड़ा आ जा। ये लड़का क्या खा रहे हो तुम? मंडावर रिसोड़ी का बोल रखे हैं, वो का सब्बा, हाँ उसका सब्बा बोल रहा था। का कर दिया होगा देखे। एक तो स्टील का गिलास नहीं गया, वो भी भर के नहीं देख। देखे से कितना दिया, टमाटर के ठान लग रहा है उनका बनाओ कर। इनके अलग अलग गिर रहे क्या सले? तीन अलग अलग क्यों गिरा, एक साथ नहीं गिरती? ज्यादा वो हो जाए मजबूती रहे अलग अलग, एक जल्दी तीन अलग अलग धर्म। तो स्लेब गिर चुकी हैं और गड्ढा जो बनवाया था वो भी चिन गया है, उसकी लिपाई भी हो चुकी है। और ये कपड़े रखे हुए थे, इन पे करनी है प्रेस। गर्मी में प्रेस करने का मन तो नहीं करता, पर थोड़े कपड़ों पे अगर हो जाए तो काम ख़त्म हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत सारे जुड़ जाते हैं और फिर गर्मी में आलाम आता है कपड़ा प्रेस करने। तो रोज़ के रोज़ ही मैं प्रेस कर देती हूँ थोड़े थोड़े कपड़ों पर ही। और बैठे हुए हैं अभी, घर अंदर बंधेंगे क्योंकि अब शाम की सन्नी होगी ना। और यहाँ पे मैं भी जो कवर धोए थे सोफ़ों के वही लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बैठते हैं धूल मिट्टी के पैर से सोफे वो हो जाएंगे, इनमें रेत भर जाएगा और जल्दी ही वो हो जाएंगे गंदे, ख़राब हो जाएंगे। तो अभी मैं ये कवर आज धोए थे तो इन्हें लगा रही हूँ और पहले इन्हें झाड़ लूँगी कवर से ही, क्योंकि इनमें जो थोड़ी सी वो है जो सिलाई की वो रहती है, सिलाई से में धूल सा और रेत सा हो रहा है। बच्चे बैठे होंगे, पैर वैर करे होंगे इन्होंने, बाहर रेत हो रहा है तो वही हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा इसको झाड़ लूँ पहले अच्छे से, उसके बाद ही कवर लगा के सेट करूँगी। वीडियो बन कर दिया, फोटो खींच दो ना। काट दी यो पर का नीचे बिछा रहे हैं। चार कमरा तू जान कितना करी रफू जी ना,
राफू किस पकड़ नहीं आया भाई ऐसे धागे से। 10 बार दिख ले कवर सेट हो गए। और ये जो कुशन है ना इनके कवर नहीं बने, ये इस तरह से तो गंदे हो जाएंगे। मैं बोल भी रही थी मम्मी को कि इनके कवर बनवा लो, तो कह रही थी कि हाँ बनवाएंगे, क्योंकि फिर उनको उतार के धो तो सकते हैं, इन्हें तो उतार भी नहीं सकते। तो बस अभी यहाँ पे गुठलियों के दाम पता ये जरा जरा सी कहीं कहीं का गिरेगी। 120 रुपये धड़ी है जरा जरा सी है, क्या है खट्टी होंगी पूरी। आज थे अख्ते तो कड़ी चावल बनाए हैं, कड़ी है चावल बूरा, आप सब भी खा लीजिए। ये मैंने जिया के लिए थाली लगाई है, गरम गरम है अभी तो खा लीजिए आप सब भी। गर्मी बादल से हो रहे हैं और हल्की धूप है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी की बिल्कुल आग सी बरस रही है आज। और मेरे तो गर्मी में आज सिर में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है, इतनी तोंस हो रही, बहुत ज़्यादा तोंस हो रही है। मौसम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ठंडा हो रहा, पर गर्मी भयंकर वाली है। इतनी गर्मी हो रही है कि बाग में से खोल के अब घर बांध रहे हैं पशुओं को, तो इन्हें नहला रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। आज इतनी भयंकर गर्मी अभी तक तो नहीं हुई थी जितनी आज है, बारिश होनी चाहिए वैसे। वहाँ रुकी थी क्या वहाँ नहीं गई फिर गंदासपुर क्या रह लगी थी मिला नहीं था तुमने जहाँ पर सा चढ़ा गए है ले जा रहा। कॉपी में स्कूल का काम आते ही मम्मी दूध निकालने के लिए आ चुकी हैं, पर सा चढ़ाने के लिए गई थी और बस आते ही दूध निकालने के लिए तैयार। आज तो गर्मी में पूरा वो लगा होगा, मैं कह रही थी मगर आज तो पता लग जाएगा ना वहाँ कहीं भी नहीं गोट हो रहा सुबह से पूरा सुबह से मगर पूरा गोट हो रहा, पता नहीं कहाँ बरसा। अरे 12 बजे चलो चढ़ा दिया था परसों चढ़ा दिया था 12 बजे भीड़ थी क्यों दूर दूर से आते हो। बैल भी बेचारे गर्मी में परेशान है, हवा का पत्ता नहीं हिल रहा एक भी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, पत्ता एक नीला पेड़ का, सारे बिल्कुल बंद रहे। और ये हम गड्ढा इतना हो चुका है, आज मिस्त्री नहीं आए, और तराई कर रही थी तो पानी भर गया इसमें, मिस्त्री आएंगे कल। हैं वहीं रखी आई क्या करें और पनीर के फूल पड़े रहा हमें।